जबलपुर 22 लाख लोक बस्ती का जिला। जबलपुर एक ऐतिहासिक शहर। गोंडवाना की रानी दुर्गावती का शहर। जबलपुर मां नर्मदा के सानिध्य से पावन हुआ शहर। सुंदरता से परिपूर्ण पर्यटन स्थल। अनेक वर्षों तक जबलपुर ने उपेक्षा की मार झेली। एशिया का सबसे बड़ा गांव ऐसा उपहास उड़ने लगा था। महाकौशल का केंद्र स्थान होने पर भी जबलपुर का अपेक्षित विकास नहीं हो रहा था। लगभग 9 वर्ष पहले सन 2004 के संसदीय चुनावों में राकेश सिंह जबलपुर के सांसद चुने गए। जनता का जबरदस्त समर्थन, पार्टी कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग एवं पार्टी के नेतृत्व का पूर्ण विश्वास। इस तिकड़ी ने कमाल दिखाया और जबलपुर करवट लेने लगा। 2004 में जब मैं पहली बार सांसद बना तो अनेकों चुनौतियां सामने थीं। जबलपुर में चूंकि उद्योग नहीं थे इसलिए रोजगार के अवसर बहुत सीमित थे। अर्थात ऐसे मुद्दे का विस्तार करना आवश्यक था जो जबलपुर की ताकत बने और वो था पर्यटन उद्योग। जबलपुर में पर्यटन की दृष्टि से अनेक संभावनाएं हैं। राकेश जी ने इस विषय को मजबूती से उठाया। जबलपुर में पर्यटन उद्योग बढ़े इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और अनेक प्रयोग भी किए। पर्यटन आज पूरे विश्व में एक उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है और जब भी पर्यटन उद्योग के रूप में विकसित होता है उसका सीधा लाभ उस क्षेत्र के युवाओं को होता है। रोजगार के अवसर मिलते हैं, समृद्धि बढ़ती है और मेरा प्रारंभ से मानना रहा है कि जबलपुर में पर्यटन को लेकर असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उसकी अच्छी शुरुआत, कोई सार्थक शुरुआत जबलपुर में नहीं हो सकी थी और इसीलिए मैंने लगभग 8 वर्ष पूर्व से ही जबलपुर पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो इसके प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। और आज मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले 8 वर्षों में जबलपुर में पर्यटन एक उद्योग के रूप में धीरे धीरे विकसित होने की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। भेड़ा घाट में शरद पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा महोत्सव प्रारंभ किया। और अब ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संगमरमरी वादियों में देश के प्रमुख कलाकारों की कला पूर्ण चंद्रमा की रोशनी में निखर उठती है। जबलपुर के पास डुमना का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित होने वाला क्षेत्र था। इसके लिए राकेश जी ने फॉलो अप किया और इस प्रकार डुमना नेचर पार्क का सपना साकार हुआ। राकेश जी ने जबलपुर की मार्केटिंग के लिए टूर ऑपरेटर्स का सम्मेलन किया। पूरे देश से 80 से भी ज्यादा टूर ऑपरेटर्स इसमें शामिल हुए। बरगी में क्रूज लाने में राकेश जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आज इस क्रूज के कारण बरगी पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बना है।
केंद्र शासन का सतत फॉलोअप लेकर राकेश जी ने जबलपुर को टूरिस्ट सर्किट का दर्जा दिलाया। यही नहीं, जबलपुर में पर्यटन के विकास के लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत कराई। इन सभी के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले 6-7 वर्षों में जबलपुर का पर्यटन उद्योग 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। जबलपुर का स्तर ऊपर उठे, इसके लिए 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थीं। एक था, जबलपुर में उद्योगों के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ते जाएं, इसके लिए जबलपुर की कनेक्टिविटी ठीक करना। दूसरा, जबलपुर की मार्केटिंग करना। जबलपुर में कनेक्टिविटी के मामले में हम बिल्कुल शून्य पर लगभग खड़े थे। हवाई सेवा के मामले में जबलपुर नक्शे में ही नहीं था। रेलों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना घोषित हो चुकी थी, लेकिन उसकी गति इतनी सीमित थी कि उस गति से बहुत वर्षों तक भी हम इस परियोजना को पूर्ण नहीं कर सकते थे। और राकेश जी ने संकल्प लिया जबलपुर की बेहतर कनेक्टिविटी का। राकेश जी उस समय की लो कॉस्ट एयरलाइन एयर डेकन के चेयरमैन कैप्टन गोपीनाथ से मिले, उन्हें कन्विंस किया और 25 अप्रैल 2005 को जबलपुर दिल्ली की सीधी और दैनिक सेवा पहली बार प्रारंभ हुई। ये एक मील का पत्थर था। जबलपुर की जनता ने भरपूर सहयोग दिया और ये फ्लाइट चल निकली। मात्र दिल्ली की फ्लाइट से काम चलने वाला नहीं था, जबलपुर के भविष्य को संवारने के लिए ये आवश्यक था कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए भी जबलपुर से सीधी फ्लाइट हो। और इसके लिए मैंने उस समय की जो प्रमुख एयरलाइंस कंपनी थी, किंगफिशर एयरलाइंस, उसके अधिकारियों से अनेकों बार बातचीत की, उन्हें जबलपुर आमंत्रित किया। और जबलपुर आने के बाद उनके सामने जबलपुर के सभी प्रतिष्ठित व्यवसायियों और उद्योगपतियों की उपस्थिति में जबलपुर की संभावनाओं को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया और बात बन गई। इस तरह जबलपुर इंदौर मुंबई हवाई सेवा प्रारंभ हुई। उद्योगपतियों का ध्यान जबलपुर की ओर आकृष्ट होने लगा। पर्यटन उद्योग में तेजी आई। कान्हा बांधवगढ़ जाने वाले पर्यटक अब जबलपुर रुकने लगे। इसी बीच एयर इंडिया की भी सेवा प्रारंभ हुई थी। जब मुझे अंदेशा हुआ कि किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो सकती है, तो उसके बाद मैंने दिल्ली गुड़गांव जाकर स्पाइसजेट के अधिकारियों से संपर्क किया, उनसे बार बार बातचीत की और जबलपुर की संभावनाओं के बारे में उनके सामने भी एक प्रेजेंटेशन दिया। और 7 सितंबर 2012 से स्पाइसजेट की दिल्ली जबलपुर और बाद में मुंबई उड़ान नियमित रूप से प्रारंभ हुई। जबलपुर अब वायु सेवा के नक्शे में है। उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, शिक्षा, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में आवागमन सुलभ हो गया है और इसका असर जबलपुर के विकास पर दिख रहा है। रेल सेवा ये भी जबलपुर के लिए चुनौती थी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जबलपुर को पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय बनाया था, लेकिन मुख्यालय होने के बावजूद भी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जबलपुर को जोड़ने के लिए कोई भी सीधी रेल सेवा नहीं थी। और उसके लिए हमने लगातार प्रयास किए, आंदोलन किए, संघर्ष किया, जबलपुर से लेकर दिल्ली तक संघर्ष किया, जबलपुर के जोनल हेडक्वार्टर को अनेकों बार घेरा, इसका घेराव किया, तब जाकर हमें जबलपुर से मुंबई के बीच की सीधी गरीब रथ प्राप्त हुई। किंतु रेल प्रशासन ने गरीब रथ को इलाहाबाद तक बढ़ाने का निर्णय किया। ये अन्याय था, ये सरासर अन्याय था। जबलपुर को बहुत संघर्षों के बाद मिली गाड़ी हमसे छीनी जा रही थी। और राकेश जी के नेतृत्व में जबरदस्त रेल रोको आंदोलन हुआ।
रेल प्रशासन को झुकना पड़ा। गरीब रथ को इलाहाबाद तक बढ़ाने का निर्णय रद्द हुआ। राकेश जी के प्रयासों के कारण ही वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जबलपुर से जम्मू तवी तक सीधी ट्रेन प्रारंभ हो सकी। रेल के मामले में सबसे बड़ा विषय था ब्रॉडगेज परिवर्तन। जबलपुर से गोंदिया लाइन के ब्रॉडगेज परिवर्तन की परियोजना एनडीए के शासनकाल में सन 2000 में स्वीकृत हुई थी। इस परियोजना से समूचे महाकौशल क्षेत्र में विकास की गति बढ़ना तय है। इसके कारण उत्तर पूर्व और दक्षिण के बीच की दूरी लगभग 274 किलोमीटर कम होगी। किंतु कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के शासन में उसे अनेक बार धक्का लगाना पड़ा। सन 2007 में जब परियोजना की गति धीमी पड़ी थी, तब राकेश जी ने कटनी से जबलपुर तक 8 दिनों का पैदल मार्च हल्ला बोल रैली के रूप में किया था। इस रैली से एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ। रेलवे को इस परियोजना को प्राथमिकता देनी पड़ी और परियोजना का बजट भी बढ़ाया गया। सिर्फ हल्ला बोल रैली ही नहीं, बैलगाड़ी यात्रा। रेलवे के जीएम ऑफिस का घेराव, काले गुब्बारे उड़ाकर धिक्कार आंदोलन, ऐसे अनेक अभिनव आंदोलन राकेश जी ने समय समय पर किए और इस विषय को उन्होंने जिंदा रखा। जबलपुर बदल रहा है। पिछले 5 वर्षों में जबलपुर में बहुत कुछ बदल गया है। जबलपुर के इस बहुआयामी विकास ने उद्योग जगत का ध्यान जबलपुर की ओर खींचा है। जहां एक तरफ इंडिया टुडे ने देश के तेजी से बढ़ते हुए शहरों में जबलपुर का समावेश किया है, तो वहीं दूसरी तरफ लंदन की सिटी मेयर्स फाउंडेशन ने एक अंतरराष्ट्रीय सर्वे में विश्व के 300 तेजी से बढ़ते हुए शहरों में जबलपुर का नाम शामिल किया है। मेरा प्रारंभ से मानना रहा है कि जबलपुर को महानगर बनना चाहिए, लेकिन मात्र महानगर की बातें करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें चाहिए एक सुव्यवस्थित महानगर। हमें मात्र विकास नहीं चाहिए, बल्कि हमें जबलपुर का सर्वांगीण विकास चाहिए। इसलिए जब नर्मदा के तट पर बसे जबलपुर में राकेश जी ने जल संकट देखा, तो उन्होंने इस चित्र को बदलने की ठानी। जल की बचत करें और भारत और समृद्धशाली राष्ट्र बनाएं, जल रक्षा यात्रा। और इसमें से खड़ा हुआ एक विशाल जल रक्षा अभियान। मई की तपती दोपहरी में राकेश जी ने 15 दिनों तक जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के 150 से ज्यादा गांवों में 165 किलोमीटर की पदयात्रा की और वहां के लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक बनाया। ये अत्यंत सफल अभियान रहा। अंतिम दिन जब ग्वारी घाट से नर्मदा जी का जल लेकर राकेश जी हनुमान ताल की तरफ बढ़ रहे थे, तो मानो सारा जबलपुर उनके साथ हो लिया था। तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रभात झा स्वयं इस पदयात्रा के साथ चल रहे थे। आज जल संरक्षण का ये अभियान निरंतर चल रहा है। जगह जगह चेक डैम्स बन रहे हैं और इस वर्ष ऐतिहासिक संग्राम सागर के शुद्धिकरण का प्रकल्प पूर्ण किया गया। ये काम हमने किया है, ये वास्तव में शुरुआत है, लेकिन ये अपने लक्ष्य तक पहुंचे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ऐसे अनेक प्रकल्प, ऐसे अनेक प्रयोग राकेश जी ने किए हैं। फिर चाहे वो विक्टोरिया अस्पताल के बच्चा वार्ड को सुशोभित करने का काम हो, या फिर जैविक खेती पर किया गया विशाल सम्मेलन। जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 545 ग्राम पंचायतें हैं। मैंने इन सभी ग्राम पंचायतों का दौरा किया
और दौरा करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं चूंकि स्वयं भी किसान हूँ, मुझे ऐसा लगा कि जबलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रमुख परेशानी किसानों की खेती की लागत बढ़ना है। रासायनिक खेती से एक और जहाँ खेती महंगी होती है, वहीं उसके साथ साथ इससे पैदा होने वाली बीमारियाँ किसान को और भी अधिक आर्थिक संकट में डालती हैं। इसके लिए मैंने महसूस किया कि एक जैविक खेती पर कोई एक इस तरह का आयोजन होना चाहिए जिसमें हम किसानों को उसके बारे में जानकारियाँ वृहद रूप से दे सकें। और फिर मैंने तय किया कि देश के प्रमुख विशेषज्ञ जैविक खेती संबंधित जबलपुर आएँ, एक कार्यशाला का आयोजन हो और उसमें बड़ी संख्या में किसानों को हम प्रशिक्षित करें, और फिर जैविक खेती पर एक कार्यशाला का आयोजन हमने जबलपुर में किया। राकेश जी के इन बहुआयामी अथक प्रयासों से निर्मित होता है जबलपुर के समग्र विकास का उनका व्यापक विजन। ये कारवां चल रहा है। अदम्य उत्साह और ऊर्जा के साथ राकेश जी के अभियान भी चल रहे हैं, किंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जबलपुर के विकास की ये यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी।